भाई जी, मेरे को एक बात बताइए, आपके हरियाणा में मल्हार तंत्र के बारे में क्या कहते हैं लोग? हमारे बुजुर्गों द्वारा तंत्र के बारे में कहते हैं कि वो इतने शूरवीर और पराक्रमी योद्धा थे कि वो जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ते थे, वो इतनी तेज गति से आते थे कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो कब, मतलब कि युद्ध में आ गए, सम्मिलित हो गए और कब दुश्मन को पराजित करके और चले जाते थे। तो इस तरीके की उनकी रणनीति थी, तो इस तरीके का उनका शौर्य वे बुजुर्ग बताते हैं और हम यही सुनते आए। मतलब यहाँ आपके बुजुर्ग लोग हैं तो ये बताते हैं कि पानीपत का असली कारण हारने का मल्हारराव नहीं है? नहीं, वो बताते हैं कि इसका मेन कारण जो अपने पेशवा थे, जो समय उनके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था मल्हारराव होलकर जी ने, कि ये बताया जा रहा है और बुजुर्ग ये कह रहे हैं सभी, जैसे आस पास के गांव, और मैं पूछा भी ऐसे भी बुजुर्गों से, तो वो यही बताते हैं कि इसका मेन कारण था कि वो एक छोटी जाति से संबंध रखते थे और वो महाराष्ट्र और जो जैसे हरियाणा में गडरिया और वहां धनगर, उस जाति से संबंध रखते थे, तो कहीं ये जो युद्ध में अगर इनका नाम आगे ना जाए और ये मेरे से ज्यादा बड़ा इनका नाम ना हो जाए, इस चीज को पीछे रखने के लिए उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी बात पर वो अड़िंग रहे, और इसका मेन कारण उनकी बात न मानना था। हरने की वजह से उनकी बात न माननी के थे। हाँ। मतलब मल्हारराव ने जो बात कही वो उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि हाँ। वो बात सच्ची थी। हाँ बिल्कुल, इसका मेन कारण यही था, यही हमारे बुजुर्ग कहते हैं। मतलब पीढ़ी पीढ़ी सब आप यहाँ का लोगों का मानना है कि पानीपत की हरने की असली वजह वो पेशवा है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।